क्योंकि अगर गाड़ी हो ना तो कोई भी बचा नहीं होगा। आज ना बहुत बार ऐसा हुआ ना कि हाईवे पे गाड़ी पीछे लगी रही, बट इस बार मुझे ट्रिप पे ना बहुत जगह मतलब स्टार्टिंग से गुड मत करो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो रेडी हो गए, सुबह सुबह बज रहे हैं 9:18 और आज जो अपना डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन टाइम लगने वाला है 12.5-13 घंटे। तो आज अपन पुणे को एग्जिट कर रहे हैं, जो मीटिंग के लिए आए थे वो हो गया और कल वाला वीडियो आपने देखा होगा भाई, क्या अमेजिंग जगह थी यार, बहुत ही अमेजिंग जगह यार, और वहाँ का पार्टी वाइब बहुत ही नेक्स्ट लेवल भाई। मैं सच्ची बताऊँ तो दिल्ली गुड़गांव से ना ज़्यादा अच्छा पार्टी वाइब था। बाकी अभी फ्रेश मतलब फ्रेश क्या, फ्रेश हो गया, नहा लिए, बैग निकालते हैं, फ़ोन करते पहले कि भैया कोई बैग लेके नीचे चल लो और यहाँ से निकलते हैं सीधा इंदौर के लिए। भाई एक चीज़ जो मेरे को लगानी पड़ेगी वो विंडो शेड, और वो हम लगा लेंगे, पता ही दूसरा कहाँ गया, अच्छा अंदर गिर गया ना, चलो फिर बात करते हैं। थैंक यू। चलो भाई फटाफट अब निकले यहाँ से। थैंक यू भैया। आज जो अपनी जर्नी है, रोड क्लोजर क्यों दिखा रहा है भाई, जर्नी के स्टार्टिंग में वो है ऑलमोस्ट 12 घंटे की, 606 किलोमीटर, हाँ 606 किलोमीटर 12 घंटे स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अंबे मात की जय, माता रानी हमारी जर्नी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से पहुंचे हम इंदौर, जो है यहाँ से चाकन होके जाएंगे। और कल एक भाई ने ये क्या, अरे ये प्यारा सा लेटर लिखा था, ये प्यारा सा लेटर। पुणे में एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा दिखेगी ना वो है टू व्हीलर भाई, बहुत टू व्हीलर है यहाँ पे, देख रहे हो भाई। वियतनाम को कुछ टाइम में हम चैलेंज कर देंगे, तुम्हारे पास ज्यादा टू व्हीलर या हमारे पास ज्यादा टू व्हीलर, बहुत टू व्हीलर है यार। घाटी वाले रोड स्टार्ट हो गए ना, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे मालसेज की तरफ जा रहे हैं ना, वैसे ही मतलब बारिश में यहाँ हो गए तो भाई क्या ग्रीन होगा, क्या बारिश पड़ रही होगी। और इस बार तो ना बारिश में कल ना अपने को ना अर्जुन भाई मिले थे, उन्होंने ऐसे मस्त मस्त लोकेशन बताया ना, कह रहे क्या आप मालसेज तामिनी घूम रहे हो भाई, ये देखो खतरनाक लोकेशन भाई, अभी तो मैं नाम ही भूल गया उसका लोकेशन का नाम क्या था वो तो भूल गया, लेकिन मैंने फोटो देखी, ओ भाई जो ज़बरदस्त था भाई, जो ज़बरदस्त भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ बारिश में इस बार तो ना कुत्ते वेल हो जाएंगे, कुत्ते वेल। हाँ गाड़ी जाती है ऐसी तगड़ी ऑफ रोडिंग ना आपने देखी ना होगी भाई। ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो यहाँ पे रुके हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह टाइप का तो मिल ही जाएगा, वड़ा पाव, अंडा पाव, कुछ मिसल पाव, मिसल तो दिख रहा है मेरे को भाई, जो चीज़ चाहिए था ना फाइनली मिल गया भाई मेरे को, हाँ मिसल पाव। ये क्या है, ये करी है, हाँ इतना से तो हो जाएगा भाई, करी की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जलेबी भी है थोड़ा सा, फटाफट खाते भाई, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत तगड़ा, माँ कदम बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। और एक वड़ा पाव भी मांगा मैंने, ठीक है पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। फाइनली लास्ट डे महाराष्ट्र में, फाइनली ये खाना मिल गया मेरे को भाई, क्या तीखा था यार, हाय हाय चटकदार, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। मैंने वैसे जलेबी नहीं खाई क्योंकि शुगर, कल मैंने ना कल वहाँ पे कुछ भाई लोग आए थे जहाँ पे हम गए थे ना क्लब में, तो वहाँ पे केक वेक खा लिया था, तो अभी कुछ टाइम से तो शुगर इनटेक भी बढ़ गया। अब तो क्या है ना कि भाई खा लिया ना तो तगड़ी नींद आ रही है मज़ेदार था भाई ऐसे ना, छोड़े दे, 5 स्टार का खाना अच्छा होता है, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत हाइजीनिक बनाते हैं, पता नहीं हाइजीनिक बनाते कि नहीं, बट अच्छा होता है, टेस्टी होता है भाई। इस वाले वड़ा पाव का टपरी ढाबे पे भाई तोड़ नहीं है, मतलब पता नहीं आप कितने फूडी हो, मेरे को तो पसंद है यार ऐसा चटकदार खाना। हाँ हाँ जब सुड़सुड़ाओ ना खाने के बाद, साला खाने का वही टेस्ट आ जाता है, और सुड़सुड़ाओ नहीं तो साला बेकार खाना, ये खाना बेकार नहीं होता, अच्छे से बनाया नहीं प्यार से भैया ने, जो तड़का लगाया कल सुबह भी याद करूँगा ना धोते हुए।
भाई इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है ना, इतनी कंफर्टेबल मतलब बिल्कुल नहीं फट रही यार इसमें। अभी ना उबड़ खाबड़ रोड में भी ना ऐसे कटिंग वटिंग मार के ट्रक को ओवरटेक किया भाई साहब, इतना मतलब गड्ढे, ये जो हम पंप नहीं बने रहते भाई, स्पीड में कुदा दिया, धीरे कुदा दिया, मीडियम स्पीड में कुदा दिया भाई, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। मतलब अंदर जो सीट है ना यार, मतलब नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट है। मैं सीरियसली, मेरा पहला ट्रिप इससे ना माउंटेन्स का नहीं करना और हाईवे का करना है ना, बेसिकली मेरे को गाड़ी के डायनेमिक्स और गाड़ी का ना परफॉर्मेंस देखना था, और भाई साहब नेक्स्ट लेवल यार। मैं फॉर्च्यूनर को कहता था यार वो फॉर्च्यूनर है भाई, बाप है यार, ये बाप है, मतलब लिटरली बाप है। इसको मनूवर करना इतना ईजी है ना, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भाई, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, एक हाथ से गाड़ी कटती है, एक हाथ से। और जो मैं तो नॉर्मल, मैं फॉर्च्यूनर ना हमेशा स्पोर्ट्स मोड पे चलाता हूँ, इसमें मैं नॉर्मल कंफर्ट मोड पे चल रहा हूँ, और उससे ज़्यादा हल्का सा पंजा दिया, और भाई V8 पहले आता था, अभी V6 ट्विन टर्बो का जो ग्रंट है ना, वो आपको सीट पे फील होता है यार, गजब है यार, गजब ही है। हाईवे के लिए ना भाई क्या जबरदस्त क्रूजर है यार, तभी इसको साला लैंड क्रूजर कहते हैं, लैंड पे कहीं भी क्रूज करते रहोगे आप, हाँ मस्त भाई मस्त। और भाई जो रोड प्रेजेंस, कल जब मैं, कल आपने शायद वो वीडियो देखा होगा भाई, जब मैं कल क्लब में लेके घुसा ना, कितने लोगों ने, कितने लोग भाई मेरे से फोटो खिंचवाने के साथ साथ गाड़ी, भाई गाड़ी के पास आओ फोटो भाई, ऐसे भी जितने लोग नहीं भी पहचानते थे वो गाड़ी की फोटो वीडियो भाई क्या बना रहे थे भाई, अलग ही लग रही थी ना, हाँ वाइट बीस्ट यार। एक पी ब्रेक के लिए यहाँ पे रुके थे भाई साहब, आए हाय, पैर का स्ट्रेचिंग भी तो जरूरी है, पैर का स्ट्रेचिंग भी तो जरूरी है, मजा आ गया भाई। एक चीज जो मेरे को कमी लगती है ना गाड़ी में, वो इसका नंबर, अब इसका नंबर 0003 आ जाए। मैंने सुन लिया तूने कहा, भगवान जी भी ऐसे बोले, तूने कहा और मैंने सुन लिया, जैसे जाऊं वैसे 0003 नंबर लग जाए। और भाई पता है क्या, ये देखो ये हल्का हल्का आपको गंदा दिख रहा है, ये हाथ रखने से गंदा हो गया, अभी जिसको जाके ना वापस से भाई, इसको हर ट्रिप के बाद मुझे लगता है ड्राई क्लीन कराने की जरूरत पड़ेगी, हर ट्रिप के बाद, अदरवाइज तो इसको मेंटेन करना ना बहुत डिफिकल्ट काम है, और इसको मेंटेन कर लिया तो मैं सच्चा कार प्रेमी हूं। लो भैया कट गया चलान। हाँ जी सर, सर जी गाड़ी धीरे चलाइए, स्पीड ज्यादा था इसलिए रोक दिया। ओ सॉरी, ये घाटी सेक्शन है, यहाँ 40 और 50 का स्पीड लिमिट है। अच्छा, आपने 50, 60, 80, 90 सब लिमिट क्रॉस, धीरे चलाने का, ओवर स्पीड के लिए 3000 रुपीज फाइन है, लाइसेंस दिखाइए। नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया सर, मैं इंदौर पहुंचना है रात में ना 10 बजे दिखा रहा है पहुंचने का, तो अभी मेरे को 10:30 घंटे चलाना है गाड़ी। मैं फाइन पड़ेगा, नया गाड़ी है। हाँ नया गाड़ी पर 3000 रुपए फाइन पड़ेगा। हाँ भर दीजिए। हाँ तो कुछ कर लो ना सर। हाँ ठीक है, 3000 रुपए फाइन है, आधा भरिए। अच्छा ठीक है, तो 1500 क्यों भरवा रहे हो सर? फिर कितना भरते हो? हाँ 1500 मत भरवाओ ना, मैं देखा नहीं सीरियसली। ठीक है धीरे जाइए। हाँ ठीक है, घाटी खत्म होने तक धीरे जाइए, उसके बाद फिर पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, क्लिप तो आपने देख ली, अभी जस्ट डाउनलोड की मैंने, तो भाई अभी घाटी सेक्शन चल रहा है, अब मैं तो एक सुध में बांध के गाड़ी चलाता हूँ, अच्छे रोड्स बने हुए हैं, तो मैं सर ने रोका, बहुत स्वीट, मतलब वो खुद मुझे सर बोल के बाहर कह रहे, मैं भी उनको सर, मैं तो सबको ही सर बोल के बात करता हूँ, कि सर जी आप क्या कर रहे हो, 3000 रुपये का चलान है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, प्यार से उन्होंने बोला, कह रहे आपकी नई गाड़ी है आप चलान ये भर दो। मैंने कहा थोड़ा देख लो, तो फिर थोड़ा बहुत यार देख के बहुत सारे इस रास्ते में भी बहुत सारे लोग मिल रहे हैं ना, क्या मस्त रोड है। अब ये ना घाटी सेक्शन कह रहे थे सर इसको, अब ये देखो घाटी सेक्शन, तो देखो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो डेफिनेटली है, बट गाड़ी इतनी रपा रप चल रही है ना,
भाई मेरा सीरियसली ब्रेक पेडल पे पैर रखने का मन ही नहीं करता, बहुत ही जबरदस्त। और फिर मैंने उनको बताया कि भाई देखो क्या मस्त नजारे यार, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे साला फॉरेन में आ गया ना, इतने सुंदर रोड से यार। आप ना पुणे से नासिक वाला रोड जरूर करना, इतना प्यारा नजारा आपको मिलेगा, इतना प्यारा ना, मतलब शायद ना, मतलब वो कैमरा में ना जस्टिस नहीं करेगा कैमरा। देखो अभी वाइड एंगल पे दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, वीडियो देख रहे हो तो दिख रहा है। स्किप मत करना, तुम लोग बहुत स्किप कर देते हो यार। तो घाटी सेक्शन खत्म है, सर ने बोला था कि घाटी के बाद जितना मन करे उतना चलाना। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है, अगली बार कोई पकड़ा मैंने कहा देखो ये तो सर ने बोला था मेरे को कि घाटी खत्म, तुम्हारा टाइम शुरू। लोग बोले इधर इधर ना एक जीपीएस गलत रास्ता दिखा था, तो वो भी महाकाल जा रहे हैं, तो जय महाकाल भाई। और इंदौर से वो भी आज इंदौर रुकेंगे, कल उज्जैन। तो अभी क्या वो कह रहे हैं कि नहीं इधर नासिक होके जाना, इधर वाला जो रास्ता दिखा रहा है ना उधर से मत जाना। चलो भाई यही वाला रास्ता सीधा लेंगे। चलो ओके बाय। लेके जाओ अगर कोई नहीं होगा तो। अच्छा इसको लेके जाऊं? फिर वापस छोड़ने आओ ना। किधर रहते भैया? हां किधर रहते तुम? मैं गुड़गांव। चलो बाय बाय। भाई यहां पे ना एक समोसा पाव लेने रुके थे, भूख लगी थी मुझे, हां सर दर्द हो रहा था। चार सौ पंद्रह किलोमीटर कवर करके अपन पहुंच चुके हैं जी धुले, और यहां से इंदौर 207 किलोमीटर और। और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 4:30। मिला जुला के ना आज पूरे दिन 40 डिग्री टेम्परेचर था, अभी टेम्परेचर धीरे धीरे अभी 39 आया। मिला जुला के जब तक सूरज ढलेगा नहीं तब तक टेम्परेचर ऐसा ही रहेगा। और बीच बीच में ना नींद परेशान कर रही है यार, मतलब एक दो बार ना पलक ऐसे ना पता नहीं चलता है बट पलक एक दो बार ना चपकती है। तो मैंने तो एक और रेडबुल निकाला है, आएगा भाई कल मनोज भाई के शॉप से लिया था रेडबुल, वही चल रहा है शुगर फ्री वाला। इस रोड पे खाने वाने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, और जो ऑप्शन है वो छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत बड़े ढाबे इस टाइप के नहीं है। तो वॉशरूम जाने के लिए तो थोड़ा दिक्कत ही है भाई। बाकी अभी इसमें ना डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 78, मतलब 70 लीटर के करीब। अगर पूरा मैं जीरो पे भरवाता ना तो 10 लीटर तो इस मेन टैंक में रिजर्व में रहता है और 30 लीटर रिजर्व टैंक में, रिजर्व में मतलब 40 लीटर जीरो होने के बाद 40 लीटर डीजल रहता है इसमें। एवरेज हमारा दे रहा है 6.8। ये देख लो, ये देख रहे हैं 6.8। एक मिनट जूम करता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि अपन ने ना गाड़ी एकदम भगाई थी भाई बीच में, ना गाड़ी मस्त भगाई थी बीच में, क्या भगाई रहे। अच्छा है यार स्टेबिलिटी इतनी सही है ना, मतलब खराब रोड पे भी। हाँ हाँ पैर वैर एकदम ना सुबह से चलना फिरना हुआ ही नहीं, जो हुआ गाड़ी के अंदर बैठ के इधर, कभी क्लच तो है नहीं, ब्रेक एक्सलेटर क्रूज पे भी उतना ज़्यादा नहीं चला है, खेचम खेच आ रहे थे। इस ट्रिप पे ना हम टोटल अभी तक 2200 किलोमीटर चल चुके हैं, और ये है अपना डीएफ का लेवल। तो डीएफ टैंक इसका बड़ा है ना, तो देखो इसमें ना बताता भी है भाई कितना। बाकी आज हम कितना चल लिए ट्रिप ए, कितना है भाई 500 किलोमीटर के आसपास आज चल लिए ट्रिप ए, देख रहे हो भाई फुल टैंक हो गया, 6700 का करवा लिया, 72 लीटर आया। चलो भाई ये देख लो यहाँ फुल टैंक हो गया, पता नहीं क्या लफड़ा है यार, 110 लीटर में सिर्फ 70 लीटर आता है। सनसेट भाई यहाँ पे रुके हैं, हाँ चाय बोला है, हाँ मस्त चाय। चलो थोड़ा सा तो पैसा है उसी से पी लेंगे। भाई मेरा बैग कहाँ है, बैग से एक सामान निकालना है।
चलाते चलाते गाड़ी ना, मैंने कहा भाई एक चाय तो मारते ही है यार, फिर अंधेरा हो ही नहीं वाला है थोड़ी देर में। भाई 89 बचा है और हमारे में बचा 102, मतलब हमारा होटल थोड़ा सा पता नहीं कहाँ पे है, मतलब मेन इंदौर में ही है, बट अपने पहुँचेंगे 8:45 तक, 8:30 तक पहुँच जाएंगे अगर बहुत खींच लिया तो, अब क्या ही खींचेंगे यार। शाम हो गया, एक चाय पीना, हल्के देर रेस्ट किया, पैर वैर को थोड़ा सा रेस्ट मिला, मैं तो सुबह से चला ही जा रहा था, एक जगह बस मिसल पाव खाने के लिए 10-15 मिनट, उसके बाद तो कहीं बैठा ही, भाई किस लाइन में जाएं, साला जिसमें मैं लगता हूँ ना वहीं रुक जाता है। ये मेरे साथ ना बहुत बड़ा स्यापा है भाई, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, बट साला मैं जिस लाइन में लगता हूँ ना वो साली लाइन रुक जाती है, उसका फास्टैग काम करना बंद, या मेरे आगे कोई गधा आ जाता है, मतलब गाड़ी वाला। सामने किसी ट्रक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है शायद, और ये देखो क्रेन से पता नहीं क्या उठा रहे, गाड़ी नहीं हो भाई, क्योंकि अगर गाड़ी हो ना तो कोई भी बचा नहीं होगा भाई। बहुत गंदा एक्सीडेंट है, बहुत ज़्यादा गंदा, पता नहीं कैसे होगा ये, एक सेम साइड पे आने से क्या। भाई गाड़ी के फरकच्चे उड़ गए यार, वो ट्रक का आगे फ्रंट बॉडी है या गाड़ी है समझ भी नहीं आ रहा है, एक बार सीधा जाएंगे तब शायद समझ में आए, दिखाता हूँ। ओ भाई बहुत बहुत गंदा, चलो भाई उधर उधर, ये देखो सामने ये ट्रक, इसका आई थिंक बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, भाई इस ट्रक का तो फ्रंट पार्ट है ही नहीं, भाई ट्रक का तो फ्रंट पार्ट है ही नहीं, शिट यार बहुत गंदा हुआ, बहुत ज्यादा। पहुंच गए जी अपन फाइनली इंदौर, और अभी टाइम हो रहा है 8:12, अब बस यहाँ से होटल 2 मिनट के रास्ते पे, नहीं 4 किलोमीटर बाकी है भाई यार। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, आज ना बहुत बार ऐसा हुआ ना कि हाईवे पे गाड़ी पीछे लगी रही, कभी पीछे आगे कर रही थी, तो भाई प्लीज़ हाईवे पे मैं नहीं रुक सकता यार, बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। आप बहुत अच्छे हो ठीक है, लेकिन आपके जैसे सारे लोग नहीं रहते, तो प्लीज़ यार मैं नहीं, मैं आप मेरे को पहचानते हो, मैं आपको नहीं पहचानता, तो मुझे नहीं पता है इंटेंशन क्या है किसी का जो भी रोक रहा है, तो भाई मैं हाईवे पे नहीं रोक सकता यार, बिल्कुल नहीं रोक सकता और नहीं रोकना चाहिए भी। ये गाड़ी ना ज़्यादा बड़ी है तो ज़्यादा दिखती है, प्लस ये गाड़ी है भी नहीं तो और ज़्यादा दिखती है, मतलब नज़रों में। तो यार मुझे पता है कि इस बार मुझे ना ट्रिप पे, मैंने ये बोला नहीं, बट इस बार मुझे ट्रिप पे ना बहुत जगह, मतलब स्टार्टिंग से गुड़गांव से लेके एवरीवेयर आगे पीछे, तो यार थोड़ा थोड़ा ना मैं भी, और गाड़ी एकदम सटा सटा के चलाना, कट मारना भाई क्यों ही करना यार, मैं अपना नॉर्मल पेस से चल रहा हूँ, आप क्यों फॉलो कर रहे हो, हो सकता है आप तेज़ चलाते हो सकता है आप तेज़ नहीं चलाते हो, यार एक्सीडेंट का घर हो जाएगा वो, और मेरी वजह से वो सारी चीज़ें होंगी तो मेरे को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा, प्लस मेरे साथ भी हो सकता है यार, आप गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो आगे पीछे, भाई पीछे से डिपर मार रहे हो, प्रॉब्लम होती है यार। देखो ऑटो डिमिंग मिरर्स हैं ठीक है, बाहर वाले दोनों हैं, अंदर वाले भी हैं, बट फिर भी यार आप, मैं देख रहा हूँ कि पीछे से डिपर कंटिन्यूसली, डिस्ट्रैक्शन होता है यार, मत करो भाई प्लीज़, रिक्वेस्ट है प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। फाइनली इंदौर पहुँच गए, बस वो छोड़ दो भैया, वो नहीं निकालना, एक काफ़ी है, रूम में जाके वैसे भी सोना ही है, हाँ वही वाला, नहीं दूसरा वाला बस। मैंने भैया को बोला कि भाई गाड़ी बाहर नहीं लगाएं, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर लगेगी तो लोग आएंगे, तो अंदर ही लगाना भैया, ठीक है हाँ किनारे, इधर ही किनारे लगा दें, ठीक है हाँ वहाँ लगा।